पहली में 4 का आगे था। अच्छा फिलहाल क्या रेट से ले आ, क्या रेट बिकी आपकी? हमारी 250। 250। तो दो फसल अच्छी हो जाती है? अभी दो ठीक हुई जी। है जी ठीक हुई। अच्छा तो 3 का एवरेज भी मतलब जो है ठीक सा ही है जैसा दूसरी फसल है? अच्छा कुछ रोग वगैरह थे कि इस बार? आज रोग दोबारा इसकी बार खर्चा ज्यादा आया फसल में। अच्छा तो कितने दिन में ले आए? 84-85 दिन। अच्छा 84 में ले आए। चलो नमस्कार भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज करनाल अनाज मंडी पहुँचे, अपनी मुंजी लेकर पहुँचे भाइयों आज। और आज करनाल में क्या भाव चल रहे हैं वैरायटियों के अलग अलग, वो सारी जानकारी देंगे जी। और ये फिलहाल जो है अम्बाड़ा पानीपत हाईवे है, यहाँ पे इसी पे ये मंडी है भाइयों। और अंदर चलते हैं, आपको सारी जानकारी देंगे भाइयों, कौन सी वैरायटी का कौन सा रेट चल रहा और क्या मंडी में व्यवस्था है। देखो जी किसान जो हैं दो ट्रोली जोड़ कर लेकर आ रहे, दो ट्रोली लेकर आते हैं यहाँ करनाल मंडी में। यूपी साइड का जो है ज़्यादा आता है दाल, हरियाणा में तो 20-20 किलोमीटर पे मंडी है, तो करनाल में 80% के लगभग जो है वो यूपी का माल आता है। और इस समय भाइयों ये 1509 वैरायटी की दूसरी फसल आ रही, फिलहाल हम भी दूसरी फसल ले पाए और आज देखते हैं क्या रेट लगेगा। और जो और दूसरी वैरायटी है 11-21 और दूसरी, उनका क्या रेट लग रहा है फिलहाल, सारी कुछ जानकारी देंगे भाइयों। और इस साल क्या निकाल है दूसरी फसल का, किसान भाइयों से मुलाकात कराऊंगे। आओ जी चलते हैं मंडी में अंदर, सारी जानकारी लेंगे। हाँ जी कौन सी है ये वैरायटी आपकी? 1509 जी। 1509। और अपना नाम बता दो जी। अरविंद कुमार जी। कहाँ से हो? बिडोली से जी। बिडोली यूपी से। हाँ जी। तो ये दोबारा की है पहली फसल है भाई? दोबारा की है जी। अच्छा तो दोबारा की में क्या रिकॉर्ड आया भाई, लगभग अंदाजा होगा? लगभग 3 के आसपास आएगा जी। 3 क्विंटल का? हाँ जी। तो पहले भी 1500 हुई थी? हाँ जी पहले भी 1500 थी। अच्छा और पहली फसल में क्या एवरेज आया था? 4 का एवरेज आया था जी। पहली में 4 का आगे था। हाँ जी। अच्छा फिलहाल क्या रेट से ले आ, क्या रेट बिकी आपकी? हमारी 250 जी। 250। तो दो फसल अच्छी हो जाती है? अभी दो ठीक हुई जी। है जी ठीक हुई। अच्छा तो 3 का एवरेज भी मतलब जो है ठीक सा ही है जैसा दूसरी फसल है? अच्छा कुछ रोग वगैरह थे कि इस बार? आज रोग दोबारा इसकी बार खर्चा ज्यादा आया फसल में। अच्छा तो कितने दिन में ले आए? 84-85 दिन। अच्छा 84 में ले आए। चलो जी ये देखो जी, ये जो है खरीदार आ रहे भाइयों, और ये मंडी में किसान आ रहे सभी भाई। और ये इनका तोल लग रहा, ये और दूसरे ताऊ हैं। हाँ जी ताऊ कौन से गांव से? उदपर से। उदपर से। आप कौन सी लेकर आ रहे वैरायटी? 1509। 1509 आपकी क्या भाव बिकी? 2620। 2620। क्या एवरेज आ गया होगा लगभग, अंदाजा लगाया कुछ? अंदाजा कुछ नहीं लगाया हमने तो भी। अच्छा दोबारा की है ना? हाँ ये देखो भाई दोबारा की है, और थोड़ा हरा दाना भी है, ये थोड़ी सी ऐसी कटवानी पड़ती है। और ये भाई 2620 है, वो सामने जो है किसान भाई से मुलाकात करी, 2250-2900 है। मंडी में थोड़ी सी आवाज कम होगी, अब जो है दूसरी फसल ही आ रही बस। देख लो भाइयों एक और किसान भाई आ रहे, यूपी का ही माल ज्यादा है, इनसे जानकारी लेंगे भाइयों कौन सी वैरायटी लेकर आ रहे, कौन सी धान है इनकी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना एक बार परिचय करा दो, कौन सा काम है जी? संजय कुमार लखनौती से हूँ जी। लखनौती से। तो कौन सी धान ला रखी जी आपने? ये है जी 1847। 1847। तो यह कितने दिन में तैयार हो जाएगी? 90 दिन की लाएगी हम। 90 दिन की लेकर आए जी। और क्या रिकॉर्ड हुआ आज जो तोल लग रहा है? लगभग 3 क्विंटल का पड़ गई जी बीघा। बीघे में 3 क्विंटल का जी, जी। तो कुछ रोग वगैरह की स्थिति थी कैसा था? नहीं बहुत बढ़िया रहा जी। बढ़िया रहा? हाँ, बहुत बढ़िया। तो वैसा रिकॉर्ड कुछ कम सा है जी या ठीक है? डबल में ठीक है जी, पहले 5 निकल गई थी, अब 3 निकल गई। अच्छा वह कौन सी थी पहले? 1509। अच्छा 1509 5 निकल गई थी जी। और वैसे और दूसरी खेती क्या है जी? गन्ना है जी। अच्छा दूसरा गन्ना है जी। गन्ने में जैसे मान लिया हमारा क्षेत्र गन्ने का है जी,
तो वहाँ पे कौन से बीज चले जी आपके यहाँ? 38 है जी, 18 है, 11015 है, 35 है। अच्छा, तो ये चारों वैरायटी अच्छी चल रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। वहाँ पे मिल क्षेत्र कौन सा है जी आपका? शेरमऊ के पास है आपकी नखनौती? जी जी। तो ये मुंजी लगाते रहो अक्सर, इस साल ही लगाई? नहीं, लगाते रहे जी। अच्छा, तो ये 1847 साल ही लगाई? हाँ, ये पहली बार लगाई। अच्छा, तो 3 का एवरेज आज लगभग? हाँ जी, 3 का। तो भाइयों ये देखो, किसान भाई है नखनौती से संजय जी, और ये अपना माल लेकर आ रहे हैं, इनका तोल लग रहा है 3 क्विंटल के आसपास। मैं आपको वैरायटी दिखाता हूँ एक बार, ये देखो जी। ये कुछ हरा दाना है भाइयों, इस तरीके से माल है इनका। ये 1847 है, लंबा दाना होता है 1509 से। और भर्ती कितनी है भाई, कितने किलो है जी? 50 किलो है जी। 50 किलो की भर्ती है जी। ये देखो भाइयों, 50 किलो की भर्ती है, और किसान भाई यूपी से ही हैं ज़्यादातर, और दूसरी फसल आ रही भाइयों फिलहाल, और दूसरी फसल का जो है एवरेज वो 3-3.5 का आ रहा है। इस साल 4 वाला एवरेज नहीं है, और दूसरी वैरायटी मंडी में फिलहाल है नहीं, वो कुछ देर से आएगी। और ये 1509 और 1847 ये एक तरह की वैरायटी होती है भाइयों, ये देखो जी। ये देखो भाइयों, सतीश कुमार बरिंदर सिंह जो कमीशन एजेंट है, इनके यहाँ हमारा माल आता है, और सतीश और बालिंदर सिंह अच्छे व्यवहार के हमारे आड़ती हैं भाइयों बहुत ही, और हमारा परमानेंट इनके यहाँ माल आता है भाइयों। इनका फ़ोन नंबर भी है इसमें, और अगर यूपी के कोई किसान भाई हैं आसपास के वो इनसे संपर्क भी कर सकें। ये देखो जी, ये इस तरीके से पलटा मार रहे हैं, इसमें पलटा मार रहे हैं, और अगर ज़्यादा जो है कबाड़ है तो वो झरना है, झरने में भी सफाई हो है इसकी, और उसके बाद जो है तोलने के लिए माल तैयार हो जा। ये देखो जी, करनाल मंडी इस टाइम रश कम है, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, और 1509 वैरायटी आ रही भाइयों ज़्यादातर, दूसरी वैरायटी अभी है नहीं। हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों में दूसरी वैरायटी आ रही 11-21, और दूसरे जो मोटे अनाज है उनमें हैं, यहाँ पे उतना नहीं है, क्योंकि हरियाणा का माल तो लगभग यहाँ पे ख़त्म हो लिया, और अब यूपी का ही है लगभग सारा। तो भाइयों ये आज करनाल मंडी से वीडियो थी, किसान भाइयों से कुछ किसान भाइयों से बात करवाई, रेट के बारे में जानकारी ली, और इस साल क्या उत्पादन हो रहा है वो भी जानकारी ली, और आज हम भी अपनी जो है धान 1509 लेकर आ रहे, और हमारी जो है 2650 बिकी भाइयों, हरा दाना था कुछ। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।